एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के अंदर डेरिवेशन आ सकती है, बड़ी बात नहीं है। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर में बेसिकली क्या है, देखो प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, इंडक्टर में जब तुम करंट को बढ़ाते हो वो झगड़ा करता है, इंड्यूस ईएमएफ पैदा करता है, तो आपको पीछे से और वर्क डन करना पड़ता है कि मैं करंट को बढ़ाऊं। तो जब और करंट आप सेंड करते हो और वर्क डन करते हो उसमें करंट बढ़ता है, करंट बढ़ता है तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। कैसे स्टोर होती है बताता हूँ, जब आप इंडक्टर लेते हैं और इसमें करंट बढ़ाते हैं, करंट बढ़ता जा रहा है तो इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाता है ना, बी वेक्टर बढ़ेगा सॉलोनॉइड के एक्सिस पे, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाता है, तो ये इंडक्टर स्टोर करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक वैसे ही जैसे कैपेसिटर में चार्ज बढ़ता है और कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, इसमें मैग्नेटिक एनर्जी है। तो सोलेनॉइड में, इंडक्टर्स में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज की फॉर्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होती है। वैसे बता देता हूँ मैं, इसका फॉर्मूला एनर्जी का क्या था, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, इसमें अगर क्यू चार्ज है क्यू स्क्वायर बाय सी, जितना चार्ज इसमें बढ़ाते जाओगे एनर्जी बढ़ती जाएगी। इसका एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एल आई स्क्वायर, तुम जितना करंट इसमें देते जाओगे यू की वैल्यू इसमें बढ़ती जाएगी। पर ये एनर्जी की फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक, ये एनर्जी की फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिक, सही है। अब मैं प्रूव करने जा रहा हूँ कि इसका फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर क्यों होता है, तो इसलिए टॉपिक का नाम क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। तो इंडक्टर में किसी भी इंस्टेंट पर ई चेंज होगा, आई भी चेंज होगा, ई और आई तो चेंज होने ही है, तो किसी भी इंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगी, जब मैंने आई करंट उसमें सेंड किया तो मैंने आई करंट सेंड किया उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी, तो ई इंटू आई क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर। मैं वर्ड इंस्टेंटेनियस क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि हर इंस्टेंट पर करंट क्या हो रहा है, चेंज, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क इज इंस्टेंटेनियस पावर, तो मुझे इतना वर्क डन करना पड़ता है। ईएमएफ इंड्यूस्ड कितनी पैदा होती है इंडक्टर में, माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस एल डी आई बाई डी टी, पर मेरे को इसके ऑपोजिट ईएमएफ प्रोड्यूस करनी पड़ती है ताकि उसमें करंट मूव कर सके, तो एल डी आई बाई डी टी ये मेरी अप्लाइड वोल्टेज है ताकि उसमें डी आई बाई डी टी करंट मेंटेन रहे, तो यहाँ से डी टी डी टी कैंसल, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन मुझे करना पड़ेगा ताकि इंडक्टर में मैं चेंज ला सकूँ करंट में डी आई, क्योंकि इंडक्टर अपोज कर रहा है, तो चेंज लाने में मेरे को वर्क डन करना पड़ता है। और टोटल वर्क डन करने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो मान लो किसी भी इंस्टेंट पे मैं आई करंट बढ़ाना चाहता हूँ, तो जीरो से आई, जीरो से डब्ल्यू, आप इंटीग्रेट करो, आंसर हाफ एल आई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला रजिस्टर मेंटेन करना है आपने सारी इसके लिए, सिर्फ यही नहीं घर जाके, मैंने इस बार बनवाया नहीं है, इसी के सारे फॉर्मूला नोट करने हैं आपने फॉर्मूला रजिस्टर में। तो इसके अंदर दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, ये फॉर्मूला को याद रखना, क्लियर है, ये काम आएंगे ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, न्यूमेरिकल्स के अंदर, इस पर बहुत काम आता है।